जंग तो मेरे को लगेगा भाई स्टार्ट हो भाई यानी भाई गंदा ही आलू रखा भाई पेट्रोल के अंदर जंग से देख सकते हो आप क्या गंदी कंडीशन हो रखी है भाई बाइक की इस टाइम कार्बोरेटर के क्या आलू रखे हैं इसमें भाई पूरा जंग लगा हुआ अंदर का गंदा है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है कि हम सब लोग बढ़िया होंगे बढ़िया होने वाली है। सो गाइस आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज की ब्लॉग की शुरुआत घर से हो रही है। अरे मेरा भाई पंकू आज का ब्लॉग का सीन गाइस कुछ ऐसा है कि आज अपने पंकू भाई की बाइक आफ्टर एक साल के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं और अपने पंकू भाई की बाइक कौन सी है ये है अपाची RTR 160 भाई। इसकी कंडीशन आप देख सकते हो भाई बहुत गंदी हो रखी है। मतलब भाई क्या बताऊँ इसने बुरे हाल कर करके इसके मतलब एक साल से घर में नहीं था तो भाई बाइक बंद पड़ी थी मैं इसको स्टार्ट नहीं करा हुआ है और इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है भाई मतलब बहुत गंदी हालत करके रखी है। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो जंग तो मेरे को लगेगा भाई स्टार्ट हो भाई यानी भाई भाई पता नहीं इसको मतलब क्या बताऊँ इसने बहुत गंदी कंडीशन करके रखी है। लगता है आपको भाई 2018 का मॉडल है किस हिसाब से लगता है आपको 18 मॉडल है ये बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है ना मैं क्या बताऊँ आपको। पर फिलहाल इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे पर इसका जंग का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इसका जंग पता निकलेगा या नहीं निकलेगा कैसे क्या करना पड़ेगा मेरे को कुछ पता नहीं रहा है। देखते हैं क्या सीन होगा। फिलहाल के लिए अभी तो अपना पूरा टूल किट यहाँ पर आ गया और ये अपनी टूल किट सारा और अब देखते हैं इसको खोल के रख दे दो रख दे इसको देखते हैं अब इसको खोल के और अपनी शाख भाई बहुत दिन हो गया मतलब आजकल अपनी बाइक भी राइड नहीं कर पा रहे हैं बहुत टाइम हो गया गाइस खड़ी है अपनी बाइक। अभी दो दिन पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था पिछले संडे ब्लॉग आपने देखा था उसके बाद बाइक खड़ी है बिल्कुल यूज़ नहीं करी और अपनी स्प्लेंडर आप देख रहे हो। देखते हैं स्टार्ट करके पर जो हालत इसकी टैंकी हो रखी है भाई ना इस हिसाब से तो खोल लो इसको पर मेरे को लगा भाई जिस हिसाब इसका टैंक हो रखा है ना ये स्टार्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी मेरे को नहीं लगता है। देखो भाई हाल देखो इसके ये मतलब बहुत टाइम से खड़ी हुई थी ना और बहुत गंदा रस्ट लग गया भाई इसके अंदर तक चला गया हुआ रस्ट। यहाँ पे होता तब तो कोई बात नहीं पर अंदर तक रस्ट चला गया हुआ ना तब तो भाई दिक्कत ही होगी। चलो देखते हैं इसको साफ़ करके या इस मेरे को लगता है सर्विस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा थोड़ा प्रेशर प्रेशर मार के देखिए क्या तब करके मतलब हो पाएगा। पर फिलहाल इसको अभी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं स्टार्ट चलो कुछ जुगाड़ करके स्टार्ट करेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा तो कुछ जुगाड़ करके स्टार्ट करेंगे तो चलो देखते हैं क्या होगा और देखते हैं ये देख रहा है अभी कैसे स्टार्ट करेंगे तो चलो करते हैं इसकी कार्रवाई और देखते हैं क्या होगा फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। हम इसका इंजन ऑयल चेक करने वाले हैं पहले इसका इंजन ऑयल कैसा है कैसा नहीं है मतलब एक साल से खड़ी है तो भाई इंजन ऑयल की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई नहीं पहले इसका इंजन ऑयल चेक करते हैं इंजन ऑयल की क्या कंडीशन है उसके बाद देखते हैं फिर अगला काम। कंडीशन दिखाओ मैं अभी इसमें तो भाई इंजन ऑयल ही नहीं है बिल्कुल देखो बिल्कुल ही सूखी पड़ी हुई है इसमें बिल्कुल भी इंजन ऑयल ही नहीं है। और बाद में पहले इसका इंजन ऑयल इसमें मतलब हमें इसका इंजन ऑयल लेके आना पड़ेगा एयर फिल्टर लेके आना पड़ेगा और भी अभी दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेगी इसकी उसके बाद देखते हैं फिर क्या होगा क्योंकि भाई बिना इंजन ऑयल को स्टार्ट नहीं हो पाएगी है। चलो अगर टैंक में हम पेट्रोल नहीं डालेंगे तो मतलब बोतल से हमें सब मतलब बोतल में पेट्रोल डाल के पाइप लगा के मतलब ऐसे काम चलाना पड़ेगा। और फिलहाल गाइस हम इसका टैंक भी लेके जा रहे हैं क्योंकि इसका टैंक में जो मतलब ये है सारा प्रेशर से थोड़ा मतलब मेरे को लग रहा है कि हो जाएगा ठीक है क्योंकि कंडीशन आप देख सो रस्ट भाई बहुत गंदा हो रखा है अंदर बहुत गंदा हाल हो रखा है देखो अंदर देखो ठीक है इसमें मतलब प्रेशर मरवाते हैं प्रेशर से इसका जंग चला गया ना तो ठीक हो जाएगा अदरवाइज फिर देखते हैं अगर वैसे हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन कोई नहीं है रिपेयर हो नहीं पाएगा होगा कि नया टैंक डलेगा ये चलो कोशिश करते हैं थोड़ा मतलब प्रेशर से अगर ठीक आ जाए तो ठीक है अदरवाइज तो फिर कुछ नहीं बोल सकते। बाइटिंग वगैरह का भी सिस्टम मतलब इसने बड़ी गंदी हाल कर रखी है इसका भी जुगाड़ करना पड़े। बाइक की कंडीशन देखो ऑल ओवर मतलब ख़त्म ही कर दी है भाई इसने क्या बताऊँ मैं टाइटर ही बड़ा खतरनाक है। भाई साहब देखो क्या हालत हो रखी है भाई अंदर पेट्रोल की गंदा ही आलू रखा भाई पेट्रोल के अंदर जंग से देख सकते हो आप क्या गंदी कंडीशन हो रखी है भाई बाइक की। मॉनसून था ना उस टाइम सारा पानी घुसा हुआ पानी भी और साथ में पेट्रोल मिक्स दोनों सब चीज़ें हैं। कंडीशन
पेट्रोल के, चलो तो मतलब पेट्रोल भी होगा तो मिक्स पानी भी होगा ना, पूरी जो बरसात हुई ना उस टाइम पे पानी भरा हुआ था टैंक में, और मतलब जो पेट्रोल था उसका भी मतलब ऐसी कंडीशन हो रखी है मतलब, और जंग उसी वजह से गाइस अंदर जंग लगी हुई है। हाँ बहुत बुरा हाल हो रखा है भाई। अभी और है इसमें इसको पहले खुद पानी से साफ कर लेते हैं, उसके बाद प्रेशर मरवाएंगे सर्विस स्टेशन जाके। तो भाई लोग यहाँ पे कार्रवाई लगी हुई है, देख सकते हो लगा हुआ है जंग निकालने पर, जंग नहीं निकल रहा इससे। देखो मतलब कुछ हद तक साफ हुई है, देख सकते हो आप यहाँ पे पानी पूरी डाल के हमने खड़ा करा पर नहीं हो पाया। अभी देख रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश कैसे क्या होगा। बहुत वीडियो हमने यूट्यूब में देख ली पर हम उसके लिए बैटरी चार्जर चाहिए पर बैटरी चार्जर मिल नहीं रहा है। चलो देखते हैं क्या होगा अभी। भाई टैंक तो छोड़ो पर यहाँ पे कार्बोरेटर के हाल देखो, उस टाइम कार्बोरेटर के क्या हाल हो रखे हैं। इसमें भाई पूरा जंग लगा हुआ अंदर तक, गंदा ही देख सकते हो। बस इसको पेट्रोल की मदद से अब साफ़ कर रहे हैं, पेट्रोल है इसको साफ़ करते हैं, देखते हैं इसकी कंडीशन क्या होगी। और यहाँ पे देखो भाई जंग एक टैंक की वजह से, जो मतलब टैंक में गंद था ना उसकी वजह से भाई सारा कचरा आया हुआ। चलो इसको साफ़ करते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर आगे। अभी तो भाई इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब एक दिन का काम नहीं है, चलो पूरा दिन लगने वाला है वैसे तो आज पर। चलो देखते हैं, करते हैं कोशिश जितना हो सकता है। भाई अंदर हालत देखो कितनी ज़्यादा जंग हो रखी है, मतलब गंदी भाई। गाइस अभी आपने देखा कि हमने कार्बोरेटर वगैरह साफ़ किया क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब पहले से और अभी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब इतना अच्छे से साफ़, मतलब इतना अच्छे से साफ़ नहीं हो क्योंकि भाई पक्का ही लग गया है ये कलर, मतलब जो जंग का कलर था वो पक्का ही लग गया है। अब इसको ओपन ही रखा हुआ है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ इसका इंजन ऑयल लेने के लिए अपनी स्प्लेंडर पे, और अभी एक कबाड़ी के पास भी जा रहे हैं, मतलब एक कबाड़ी वाले के पास भी जा रहे हैं, उसके पास देखा था शायद अपाची आई थी एक, तो उसकी टैंक वगैरह हमें वहाँ पे मिल गया या कुछ और सामान भी मिल गया अपाची का, तो ले आएंगे क्योंकि इस टाइम टैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और अभी और भी काम देखते हैं, अभी और काम भी है वैसे फिलहाल तो मेन टैंक है, अगर टैंक मिल जाता तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलो देखते हैं अभी जाके पता लगेगा कि वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी हम घर पहुँचे हैं, अभी मतलब जो दो घंटे हो गए भाई कम से कम हमें घर से गए हुए, और हमने टैंक बहुत ढूंढा पर कहीं भी इसका टैंक नहीं मिला। अब देखते हैं कुछ ना बंदे से दो पता से किया, थोड़ा बहुत जुगाड़ बनाएंगे इसका कुछ ना कुछ करके कैसे क्या होगा। अभी भी वैसे की वैसी पड़ी हुई है, खोल के रखा हो सारा सामान यहाँ पे देख सकते हो आप ऑल ओवर। बस करते हैं अभी इसका फिलहाल अभी पेट्रोल वगैरह इंजन ऑयल वगैरह लेके आया हम इसका, पहले जो ओल्ड होगा देखेंगे अगर इसमें इंजन ऑयल होगा या नहीं होगा उसको पहले ड्रेन करके देखते हैं, उसके बाद नया इंजन ऑयल डाल के देखते हैं, फिर उसका स्टार्ट करने की कोशिश करने का स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, नहीं होगी तो फिर तब भी देखें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। बस गाइस इतना सा इंजन ऑयल इसमें से निकला है, देखो भाई ये इंजन ऑयल की हाल बहुत गंदे हो रखे हैं। और अभी डाल रहे हैं हम मोबिल का इंजन ऑयल, अब इसको डालते हैं फिर उसके बाद देखते हैं इसको स्टार्ट करके अगर स्टार्ट होगी या नहीं होगी, अभी कोई पूरा कन्फर्म नहीं है क्योंकि भाई वायरिंग की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो चलो देखते हैं इंजन ऑयल डाल के और उसके बाद ट्राई करते हैं स्टार्ट करने की। हमारा इंजन ऑयल डल चुका है, एक लीटर हमने इसमें इंजन ऑयल डाल दिया है। अभी भाई इसका पूरा पता नहीं अब चलेगी या नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा कुछ पता नहीं है भाई। इसका हमें हेड खोलना पड़ेगा, जो उसकी वायरिंग वगैरह टूटी थी उसको रिपेयर करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं इसको स्टार्ट करके। तो भाई लोग हमारा मैक्सिमम काम हो चुका है, आप देख सकते हो अभी इसका मतलब वायरिंग वगैरह टूटी थी वो वायरिंग वगैरह लगा दी हमने, और अभी जुगाड़ करके बस पाइप लेके आए क्योंकि इसमें टंकी में आपको पता है जंग लगा हुआ है, टंकी में जंग लगा हुआ है, तो अभी बोतल में पाइप डाल के थोड़ा जुगाड़ करके मतलब इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे अगर हो जाएगी, पर मेरे को लगता नहीं है पाइप लगेगी, थोड़ी छोटी है आप देख सकते हो और यहाँ पे इसका पोर्शन बड़ा है, पर तब भी चलो देखते हैं कुछ जुगाड़ कर। तो भाई देख सकते हो कुछ ऐसा सा जुगाड़ हमने किया है यहाँ पे, भाई बोतल लगाई हुई है और पाइप लगा के जुगाड़ करा हुआ है, तो अभी स्टार्ट हो रही है ये बैटरी का भी जुगाड़ ही करा हुआ है। अरे भाई मेहनत लग रही है बहुत ज़्यादा, हो रही है भाई हो रही है स्टार्ट हो रही है।
दिक्कत हो रही है इसमें स्टार्ट होने में, हो गई थी वैसे थोड़ी देर पहले तो। देखा आपने स्टार्ट हो गई, हिम्मत नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। अभी देखो इतना ज़्यादा स्मोक हो गया भाई, थोड़ा सा धुआं छोड़ा था इसने और ऐसा लग रहा था कि जलने की स्मेल आ रही थी गंदी। बहुत दिनों के बाद स्टार्ट हो रही है ना, इस ऐसा लग रहा है भाई ऐसा। अभी हिम्मत नहीं आ रहेंगे, करते रहेंगे, अगर स्टार्ट नहीं होती। तो गाइस बहुत मेहनत के बाद स्टार्ट फिर से नहीं हुई है, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा है इसके कार्बोरेटर में भी दिक्कत आई, क्योंकि आगे तेल की सप्लाई नहीं जा रही है। अगर थोड़ी थोड़ी जा रही थी तो मेरे को लग रहा फिर से कार्बोरेटर में कचरा आ गया हुआ है। तो अभी हमने पूरा मतलब टैंक वगैरह में पेट्रोल डाल के देख लिया, पर तब भी कोई बात नहीं बनी, और फिर इसकी बैटरी वगैरह रिमूव कर रहे हैं। तो जितना हमसे हो सकता था उतनी हमने मेहनत कर ली है, मेरे को लगता है कि अब ये शायद मैकेनिक के पास लेके जानी पड़ेगी। तो भी भाई इस टाइम हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, आप देख सकते हो हाथ की कंडीशन क्या हो रखी है, और भाई कपड़ों के हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। सुबह से लगे हैं दोनों भाई, कल तक कल अगर भाई फ्री होगा तो कल मैकेनिक पास लेके चलेंगे, अदरवाइज तो देखेंगे क्या होगा, क्योंकि शायद मेरे को लगता है इसका इंजन का काम भी हो रखा, क्योंकि भाई धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ रही थी। तो अभी देखते हैं कल अगर पाइप फ्री हुआ तो कल इसको मैकेनिक के पास लेके जाएंगे। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।